धन्यवाद। श्री बिशनलाल सैनी जी। सर 14 नहीं श्रीमान जी, राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 करोड़ रुपए देने की कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा संख्या 245 के तहत घोषणा की थी कि आर्थिक रूप से कमजोर पालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी पालिकाओं में विकास कार्य प्रभावित न हो। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री से इसका जवाब लिखने से पहले डिस्कस नहीं कराया, डिस्कस नहीं गया। ऐसे है कि मुख्यमंत्री जी 15 मई को विकास रैली यमुनानगर की मंडी में संबोधित करी थी, और इसमें इन्होंने खुद कहा था कि भी जो कमजोर म्यूनिसिपल कमेटीज हैं उनको हम सबको पैसे देंगे, और इतने देंगे कि भाई आपके पास खर्च भी नहीं होंगे। क्यों मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था ना, आपके याद है नहीं है? इसका मतलब कि आप ऐसी चीज तो भूल ही जाते हो। देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी 15 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा नहीं हुई सर। आपने सुनिए सुनिए, जो मैंने कहा, लिए और जो मैंने कहा आज भी बोल रहा हूँ, सुनिए सुनिए, आज भी बोल रहा हूँ कि जो नगर पालिका है अथवा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज हैं, पंचायतें अथवा नगर की हैं, उन सब में हम स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा, उधर से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा, कुछ अपनी उनकी इनकम होती है, वो सारा अपने यहां खर्च करने के बाद यदि और अधिक कमजोर ऐसी इकाइयों की आवश्यकता होगी तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन आज के उत्तर में जो मेरी जानकारी ब्रीफिंग में आया था कि अभी भी रादौर नगर पालिका का पैसा अभी इसका बकाया है, बकाया यानी सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन का भी बकाया है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का भी बकाया है, और वहां आज के दिन में बैलेंस भी है 4 करोड़ रुपया। तो ये 6-6.5 करोड़ रुपए का खर्च, इसको आप 3 महीने में पूरा करिए, और आवश्यकता होगी तो और देंगे, नहीं तो अप्रैल से नए वर्ष में देंगे। नहीं, आप जो है ना, एक बार जो आप वहां कह के आए थे ना, उसके ऊपर भाई जो पैसा आपके पास है, आप पैसा तो है आपके पास, इन्होंने किया था उस टाइम, उस टाइम तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, ताड़ियां बजवा दी, समझे नहीं, 6.5 करोड़ ताड़ियां मार दी, बल्ले बल्ले रहने जी। असल में तो श्रीमान